Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 1, networks and communications topic, cutting edge technologies. Cutting edge technologies में आज हम discuss करेंगे Bluetooth technology. Students, last lectures में हमने cutting edge technology को proper discuss किया था, cutting edge technology की definition देखी थी. इसके अलावा हमने cutting edge technologies की further forms भी देखी थी. तो cutting edge technology की types हमने देखी थी Bluetooth, satellite communication, cellular communication, GPS के form में. अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट पे है हमारे पास ब्लूटूथ. स्टूडेंट्स, आज हम ब्लूटूथ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बेसिकली आंसर है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पार्ट बी ब्लूटूथ. तो ये है आंसर बेसिकली. कंप्लीट यहाँ पे मार्क किया गया है. आप ब्रैकेट्स की हेल्प से आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ से कहाँ था, कि आपने प्रॉपर हेडिंग्स लिखनी है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लूटूथ. Bluetooth is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distances. पहले हम Bluetooth की definition discuss कर रहे हैं. Bluetooth एक wireless technology है. Bluetooth cutting edge technology तो है, यानी कि advanced technology तो है, लेकिन ये है एक wireless technology. Wireless का मतलब है कि devices जो data share कर रही हैं, exchange कर रही हैं, उनके दरमियान किसी भी किस्म का physical contact नहीं है, physical connection नहीं है, wires की form में कनेक्टेड नहीं है. ये सिंपली वायरलेसली डेटा ट्रांसफर करती है, यानी कि वेव्स की फॉर्म में डेटा शेयर होता है. इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम शॉर्ट डिस्टेंस में ही डिवाइसेस के दरमियान डेटा शेयरिंग पॉसिबल बना सकते हैं. तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से डिफरेंट डिवाइसेस जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में है, शॉर्ट रेंज में है, डेटा एक्सचेंज कर सकती है. नेक्स्ट है, इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वायरलेसली. इसमें सिंपली हम बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं डेटा शेयरिंग के लिए. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है. इसके अलावा लास्ट पे वर्ड यूज हुआ है वायरलेसली, यानी कि किसी भी फिजिकल कनेक्शन के बगैर, किसी भी वायर के बगैर वायरलेसली वेव्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो सकता है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेटवर्क्स ऑफ ब्लूटूथ, कि ब्लूटूथ में नेटवर्क किस तरह से बनता है. नेटवर्क्स आर यूजुअली फॉर्म्ड टेम्परेरली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस. स्टूडेंट्स, ब्लूटूथ में किस तरह से नेटवर्क बनता है, किस तरह से डेटा शेयर होता है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ब्लूटूथ में टेम्परेरली नेटवर्क बनता है, यानी कि ये मुस्तकिल हम कह सकते हैं परमानेंट कोई नेटवर्क नहीं होता. बस थोड़ी देर के लिए सेटअप बनता है डेटा शेयरिंग के लिए, ये परमानेंट नहीं होता. यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है पोर्टेबल डिवाइसेस का, यानी नेटवर्क बनते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस के दरमियान. पोर्टेबल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें कैरी करना आसान होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब के सब पोर्टेबल डिवाइसेस में आते हैं जिन्हें हम आराम से कैरी कर सकते हैं, सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स. तो नेटवर्क बनते हैं टेम्परेरी और बनते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस के दरमियान. आइए हम ब्लूटूथ की सर्विसेज डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लूटूथ को यूज करते हुए हम कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं. ब्लूटूथ ऑफर्स सर्विस लाइक फाइल शेयरिंग, वॉइस ट्रांसपोर्ट एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा. ब्लूटूथ की सर्विसेज के बारे में अगर बात करें तो ब्लूटूथ की हेल्प से, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, वर्ड फाइल्स हो सकती हैं, हम इन्हें शेयर कर सकते हैं. वॉइस ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम वॉइस नोट, वॉइस फाइल्स यानी ऑडियो फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा हम वीडियो फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, इमेज भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में हम शेयर कर सकते हैं. एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज लाइक माउस, कीबोर्ड. ब्लूटूथ की हेल्प से हम ना सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, बल्कि इसकी और भी एप्लीकेशन हैं, इसकी और भी यूजेज हैं. वो ये हैं कि ब्लूटूथ की हेल्प से हम सिंपली किसी भी डिवाइस को कनेक्ट भी कर सकते हैं. ब्लूटूथ की हेल्प से हम ब्लूटूथ ऑन करें किसी भी डिवाइस की, तो उसके साथ हम कोई और डिवाइस ब्लूटूथ की हेल्प से अटैच कर सकते हैं. जस्ट लाइक माउस, हम माउस भी ब्लूटूथ से अटैच कर सकते हैं, फिर उसे यूज कर सकते हैं. हम कीबोर्ड भी ब्लूटूथ से अटैच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी डिस्कस की है ब्लूटूथ. ये लास्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी गिवन इन योर बुक. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1. Good luck. Allah Hafiz.